यहाँ पर व्यवस्था क्या क्या दे रहे हैं आप लोग? चद्दर है, कंबल है, तकिया है, चौकी है, पानी है। पानी है जी, आग का व्यवस्था है जी एकदम। थोड़ा देर के बाद अग्नि भी मिलेगी, लकड़ी। हाँ हाँ। कितना 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 आग जलाने का आपको ऑर्डर है? 25 किलो। 25 किलो जी। 25 किलो जल जाते हैं? अब ये तो हम नहीं बता, आप अधिकारी से बात करने में। हाँ जी, 25 किलो रोज खत्म हो जाता है। देखिए आर ब्लॉक के बाद अब हम पहुंचे हैं जीपीओ गोलंबर के पास। यहाँ पर हमारे साथ जो है इसके इंचार्ज हैं, बातचीत करते हैं इनसे। क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र कुमार। कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं? अभी तो शाम हुआ, आना स्टार्ट करेंगे आदमी। फुल हो जाता है, रात तक आते थे फुल हो जाता है। लगभग वही 30-35 आदमी अब आ जाता है। 30 बेड है यहाँ? 2 बेड इसमें कम है, 27 बेड है। 27 नहीं, हाँ 27 है, 2 बेड उसमें रखा है। वो आदमी आ जाता है तो फिर बढ़ा देते हैं। 30 बेड आया है। हाँ 27 बेड, आदमी बढ़ जाता तो फिर बढ़ा देते हैं, 30 बेड हो जाता है। 27 बेड आप गिनवाएंगे जी? एकदम गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 है। तो कितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं? अभी तो अभी कम है, अभी आएगा आप सब रात। परमानेंट जो जो अभी था, 2-4 आदमी 5 आदमी था, तो उन लोगों को आर ब्लॉक भेजा गया है। आर ब्लॉक क्यों भेजी जी? हम लोग को जो ऑर्डर मिलता है वही करते हैं। ऑर्डर कौन दिया है? ऑर्डर रितेश जी दिए हैं। कौन है वो? इंचार्ज है। ये पूरे के या यहाँ का? यहाँ इतना दूर का है, 3-4। इनका बोले कि थोड़ा आधार कार्ड दीजिए, तो आधार कार्ड इनका रहा कि हमको बड़ा मोबाइल में चेक करके देख लीजिए सही है कि गलत। हम फोटो नहीं, फोटो हम पूछे तो ये अलग तरह से बोल रहे हैं। प्रॉब्लम हुआ सर कि ये ओरिजिनल मांग रहा है, हम आधार कार्ड ये लाए हैं, फोटो स्टेट कोर्ट में आए थे, कोर्ट में केस चल रहा है हमारा ट्रक के। वो मोबाइल नंबर है लड़का के पास है, भिजवा देंगे अभी। है हमारे लड़का के पास, मोबाइल पर लीजिए चाहे जहाँ भी चेक करिए। दरभंगा जिला, दरभंगा, दरभंगा। हाँ हाई कोर्ट में केस चल रहा है। हाँ ना, लगातार नहीं चल रहा है, आज तारीख था, फिर कल निकल जाएंगे घर। कभी आज नहीं, लेट हो गया ठंड की वजह से। हाँ तो इनका आधार कार्ड ओरिजिनल नहीं था, इसके कारण आप इनको अलाउ नहीं किए? वो बात नहीं है, जैसे कहने का मतलब है कि एकदम पूरा काला है, ठीक ना। हम इनको बोले कि दूसरा आधार कार्ड दीजिए, तो ये कुछ बोलने लगे अनफन। तो बोल रहे हैं कि मोबाइल नंबर से बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मोबाइल से नहीं, हम इनको बोले कि ओरिजिनल ओरिजिनल दिखाइए। हम देखिए बिना आधार कार्ड का भी हम एंट्री, अगर ये नहीं रहेगा तब पर भी एंट्री देंगे। नियम क्या ऐसा बोले कि आप इनको नहीं? ये आप बोले कि आप लोग नाबाब हो गए, ये हो गए, ये तरीका हुआ बोलने का भैया? हम ऐसा नहीं, हम तो हम हर एक आदमी को चाहते हैं कि गलती नहीं नहीं, मेरे इंचार्ज भी मेरे थे यहाँ पे, मेरे इंचार्ज भी थे, आप उनके सामने बोले हैं। एकदम नहीं एकदम मेरा कर्तव्य है कि जो भी गरीब आदमी रहे उसको देखना है हमको, ऐसा नहीं कि नहीं देखना, हमको देखना है, सब आदमी को देखना है। वो बात नहीं, हम तो बोले हैं कि नहीं होगा, हम एंट्री इनका करने जा रहे थे, तो फिर उन्हें अलग तरह का बात बोलने लगा, इसलिए हम बोले भगा नहीं है। बोलना इनका बोले तब ना हम कहें। तभी बोले कि तभी बोले कि हम नहीं जाएंगे, उन्हीं को बुला के लाओ। तो हम स्वयं इनके पास आए कि क्या प्रॉब्लम है बताइए। हम जीपीओ गोलंबर पर मेरा ड्यूटी है, यहाँ कोतवाली थाना अंतर्गत में है। तो हम आए इनके वो बात नहीं है भैया, जैसे आप ठीक से बोलिएगा तब ना हम आपसे अच्छा से बढ़ते। आप खुल रंगदारी बात बताइए तो कोई इनका एंट्री कर रहे थे। हम बोले कि भैया आपका फोटो इसमें नहीं देगा, एकदम काय नहीं होगा।
ये जो इसमें फोटो जो है हाँ। उसको वेरीफाई कर लीजिए, यही बात हम उनको बोले हैं। हम ये आधार भी नहीं रहेगा तभी हम एंट्री देंगे। हम ये बना हुआ किस लिए? गरीब आदमी के लिए बना हुआ है। यही चीज आप पहले हो देना चाहिए था मेरे भाई। हम तो हम आता तो नहीं कि हम आदमी को नहीं दिए। तो यहाँ आर ब्लॉक पे थे, यहाँ पर एक सज्जन भी मिले जिनकी एक शिकायत थी कि फोटो ब्लर होने के कारण इनको यहाँ आधार कार्ड पे नहीं रखा गया, जबकि ओरिजिनल आधार कार्ड इनके पास नहीं था। तो थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं जो प्रोसीजर है उसमें कहीं ना कहीं हल्का फल्का समस्या जो है वो देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ जानना चाहिए, यहाँ पर व्यवस्था क्या क्या दे रहे हैं आप लोग? चद्दर है, कंबल है, तकिया है, चौकी है, पानी है। पानी है जी, आग का व्यवस्था जी एकदम। थोड़ा देर के बाद अग्नि भी मिलेगी, लकड़ी। हाँ हाँ, कितना 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 जलाने का आपको ऑर्डर है? 25 किलो। 25 किलो जी। अब ये तो हम नहीं बता, आप अधिकारी से बात कर रहे हैं। हाँ जी, 25 किलो रोज खत्म हो जाता है। अब जलेगा, अब आएगा, गाड़ी लेके आएगा, अब जलेगा। जी आधा एक घंटा में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखा आपने किस प्रकार से जो व्यवस्था है, सामने यहाँ दिखाई, यहाँ पर सीसीटीवी भी लगाया गया है। ये सीसीटीवी भी लगाया गया है सुरक्षा के मद्देनजर, ताकि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके सामान जो है वो सुरक्षित रहें और आसपास का माहौल जो है वो इनको पता चलते रहे। ऐसे ही हम और भी रैन बसेरा को आपको दिखाएंगे, वहाँ पर क्या व्यवस्था है उसको भी दिखाएंगे, और उसके आसपास में भी क्या कोई रैन बसेरा होते हुए भी गरीब बिना छत के रह रहे हैं। आप बोले हैं कि 2 दिन रहने देंगे, आर ब्लॉक में हम 2 दिन रह के आए हैं, वहाँ एंट्री नहीं लिया है। आपका एंट्री क्या बोलेंगे? ये बोले हैं कि यहाँ 2 दिन रहने देंगे मात्र। आर ब्लॉक में हम पीछे 2 दिन रहे हैं, वो एंट्री नहीं लिया, बोला आगे जीपीओ गोलंबर पर जाओ। मान 2 से 3 दिन जी जी एकदम। दिक्कत मानते हैं, सब पुराने आदमी को रह दिया जाएगा तो फिर नया जो आदमी आएगा वो कहाँ जाएगा? मतलब व्यवस्था ये है कि एक दिन आदमी को छत में लगा दूसरे दिन? एक दिन नहीं, 2 से 3 दिन तक अलाउ है जी। ये बेसिकली बनाया किनके लिए गया है? ये गरीब आदमी के लिए बना हुआ है। हाँ, जिसके पास घर नहीं है, जो फुटपाथ पर रह रहा है उसके लिए बना गया है। तो आप ही बताइए, 2 दिन के बाद यहाँ हटाया जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा? पटना में बहुत जगह बना हुआ है, मानते 3 दिन आज तीन 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 एक मिनट तीन 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 जगह 3 दिन यहाँ रह गए, 3 दिन आर ब्लॉक रह गए, 10 दिन 10 जगह 15 जगह बना हुआ है। मतलब हर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद। हाँ, 3 दिन के बाद ये नियम है जी, हम लोग को आदेश मिला है बस जी। एक बार जी, जहाँ पता चला कि किसी को भी 3 दिन से ज़्यादा रहने नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये भी सोचने वाली बात है कि अगर जिसके पास छत नहीं है तो अगर उसको 3 दिन के बाद हटाया जाता है तो फिर वो कहाँ जाएगा? इस सवाल का जवाब अगर आपके पास होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।